शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं दिल्ली द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी हर वो जतन कर रही है जिससे सत्ता में उसका वर्चस्व बरकरार रह सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट विस्तार करके अपने नेताओं की नाराजगी को दूर करने के साथ साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कवायद की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र शुक्ल और गौरी शंकर बिसेन ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं राहुल लोधी ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट विस्तार के जरिए जातीय समीकरण साधने का दाव चला है। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में जिन तीन मंत्रियों को जगह मिली है उनमें एक ब्राह्मण तो दो ओबीसी समुदाय से है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राजेंद्र शुक्ल को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है, तो वही ओबीसी समुदाय से गौरी शंकर बिसेन और राहुल लोधी को मंत्री बनाया गया है। इस तरह से बीजेपी ने ब्राह्मण और ओबीसी समुदाय को सियासी संदेश देने की कोशिश की है। सीएम शिवराज ने कैबिनेट विस्तार करके सियासी समीकरण ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन भी बनाने की रणनीति अपनाई है। राजेंद्र शुक्ल मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के रीवा से चार बार के विधायक हैं। गौरी शंकर बिसेन महाकौशल क्षेत्र के बालाघाट से सात बार के विधायक हैं, तो वहीं राहुल लोधी बुंदेलखंड क्षेत्र की खड़गापुर सीट से विधायक हैं। इस तरह विंध्य, बुंदेलखंड और महाकौशल इलाके से एक एक नेताओं को कैबिनेट में जगह देकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले सियासी संदेश देने की कोशिश की है। राहुल लोधी ओबीसी समुदाय के लोधी जाति से आते हैं जिसकी राज्य में बड़ी संख्या में भागीदारी है। इसके अलावा गौरी शंकर बिसेन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। इस तरह से ओबीसी समुदाय के दो नेताओं की कैबिनेट में एंट्री कराकर 2023 विधानसभा चुनाव की जंग फतह करने की रणनीति बनाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल लोधी को कैबिनेट में जगह देकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती को साधने की भी कोशिश की है। राहुल लोधी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे हैं। वो टीकमगढ़ जिले की खड़गापुर सीट से विधायक हैं और लोधी समुदाय से आते हैं। राज्य में लोधी समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल लोधी को शामिल करके उमा भारती और उनके समर्थकों को साधने की रणनीति बनाई है। शिवराज कैबिनेट में गौरी शंकर बिसेन को जगह दी गई है। बिसेन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, पहले भी शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं और फिर से एक बार उन्हें मौका दिया गया है। गौरी शंकर बिसेन बालाघाट से सातवीं बार के विधायक हैं। वो छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे। 1998 और 2004 में लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं राजेंद्र शुक्ल बीजेपी के दिग्गज नेता होने के साथ ही रीवा से चार बार के विधायक हैं। विंध्य क्षेत्र से आते हैं और ब्राह्मण समुदाय में अच्छी पकड़ है। शिवराज सरकार से पहले भी मंत्री रह चुके हैं। 2003 में पहली बार विधायक बने और उसके बाद से लगातार जीतते आ रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को विंध्य में बड़ी कामयाबी मिली थी। रीवा जिले की सभी 8 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन सिंधिया खेमे के नेताओं की एंट्री के चलते उन्हें उस समय कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाकर सियासी संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी को कितना फायदा होता है।